नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान। प्रश्नों के द्वारा हम भारतीय संविधान समझने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, आज का प्रश्न है, संविधान सभा जो थी दोस्तों, संविधान सभा की जो प्रांतीय संविधान समिति थी, प्रांतीय यानी स्टेट, ठीक है, प्रांतीय संविधान समिति, जो प्रांतीय संविधान समिति थी दोस्तों, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति, यानी कि इसको दोस्तों अंग्रेजी में क्या कहेंगे, प्रांतीय, प्रोविंसियल, प्रोविंसियल कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? प्रांतीय प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? यह है प्रश्न। अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, जिसका उत्तर है वो है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको लौह पुरुष भी कहा जाता था दोस्तों, लौह पुरुष, और इनको सरदार भी कहा है, सरदार की उपाधि इनको गांधी जी ने दी थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, ठीक है दोस्तों। ये हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री भी बने, गृह मंत्री दोस्तों, स्टेट इन्होंने देखा तो गृह मंत्री अब समझ में भी आ रहा है, दोनों में कुछ रिलेशन भी है। प्रथम गृह मंत्री बने सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने प्रांतीय संविधान समिति यानी कि प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का अध्यक्षता की थी दोस्तों। एक और प्रश्न आ जाते हैं दोस्तों, इसी से मिलता जुलता है। यदि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता की, तो संविधान संविधान सभा की संविधान सभा की जो संघ संघ संविधान समिति जो थी, संघ संविधान समिति यानी कि संघ संविधान समिति, इसकी इंग्लिश हो जाएगी, ये यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी, यूनियन यानी सेंटर की, जो जो उसमें नियम बनाए जाएंगे या कौन सा नियम उचित रहेगा, इसके लिए जो कमेटी बनी थी उसकी अध्यक्षता दोस्तों की थी। आप गैस कर सकते हैं कि इन्होंने की होगी दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो संघ संविधान समिति की अध्यक्षता की थी, और जो प्रांतीय की सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, और संघ समिति की पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ खत्म करते हैं। धन्यवाद।